अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये मुझे बच्चों की यूनियन की सदर लग रही है। ये है भाई बहुत एक्टिव चल रही है, बहुत एक्टिव है ये, बड़ी बातें करती है। बात सुने, ये मेरी अपनी पॉकेट मनी है। आप जो गरीबों को खाना देते हैं ना, वो गरीबों में आप बांट दीजिएगा। मैं देख लूं खोल के फैसल भाई? जी बिल्कुल। तो बहुत सारे टिश्यू पेपर ही निकल रहे हैं। देखें तो अंदर है का। फैसल भाई, इन्होंने 1500 रुपए दिए हैं गरीबों को खाने के लिए, बहुत शुक्रिया। मैं इसकी रसीद इनको भिजवा दूंगा। क्या है बात है, बहुत शुक्रिया। ये रसीद भी देते हैं। मेरी बात सुने, पता है मरियम, आपको ना जाना चाहिए, आप सारी बच्चियों को एक दिन आए, जरूर आए। वो इन्होंने ना एक बड़ा जबरदस्त बच्चों का पार्लर भी शुरू किया हुआ है, वो जाके देखें आप लोग। हाँ आप लोग जाएं, जाके देखें किस तरह से वहाँ पे ये काम हो रहा है। और आप चूंकि अभी जब जफर आए तो बहुत अच्छा काम कर। जफर भाई, मैं आपसे सवाल करूंगी और मैं मक्का मुकर्रमा के बारे में सुनाऊंगी। और सवाल, पहले मैं मक्का मुकर्रमा के बारे में सुनाऊं, फिर सवाल करूंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में 12 रबी अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए। माशाल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। माशाल्लाह। बिन अब्द मुनाफ। वैसे तो मक्का मुकर्रमा के बहुत से नाम है, लेकिन पांच मशहूर नाम ये हैं: मक्का, बक्का, अल-मुल्कुरा, करिया, अल-बलद। शाबाश। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला का घर है, जिसे हम खाने का बा कहते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ हज करने जाते हैं और हम सब मिलकर खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है। और अभी मेरी नानी भी मक्का मुकर्रमा रात में जाएंगी। अच्छा, उनसे कहिएगा दुआ करें सबके लिए। जी ठीक है। ओके ओके। अपने आप से एक सवाल करूं? जी जी। आप तो कराची के बेटे हैं और दस्तरखान सबसे बड़ा आपका लगता है। आप किसी से डरते नहीं हैं और आप जैसे लोगों की मदद करते हैं, वैसे लोग आपके, जब आप छोटे थे वैसे लोग आपकी मदद करते थे कि कारोबार में, काम में और पढ़ाई में? मैं सबसे पहले तो बोलूंगा फैसल भाई, आप यहाँ जाए, इनको वहाँ बैठा दें। जितनी रिसर्च इनकी है उतना पूरा चैनल नहीं करके बैठा हुआ। नहीं, सब सपोर्ट करते थे हमें और आज भी सपोर्ट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम उस मदद से वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जैसे ईद के दिन आप नए कपड़े पहनेंगी, तो ऐसे बहुत सारे वालदैन हैं जिनके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को ईद के दिन नए कपड़े दिलाएं, तो वो कोशिश करते हैं कि ईद के दिन अपने घरों से बाहर बच्चों को नहीं आने देते कि उनके बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं, बच्चे मजाक उड़ाएंगे या उनके अपने बच्चे क्या सोचेंगे, उनको नए कपड़े देते हैं लाखों जोड़े, वो भी हम लोगों की मदद से देते हैं। और हमारी कोशिश है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, किसी बच्ची को अगर आप 20 रुपए की चूड़ियाँ खरीद के दे देंगी और उसके पास नहीं है, तो उसका वो दिन ईद का जो दिन है वो ईद का दिन हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं, जिस तरह आपने ये बैंड लगाया हुआ, छोटा सा बालों में क्लिप लगाया हुआ है, ये भी बड़ा मायने रखता है किसी एक ऐसी बेटी के लिए जो अपने बाप से इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे कपड़े दिला दो। उसको पता है बाप पूरे दिन मजदूरी करता है, 500 रुपए मिलते हैं, उससे दो वक्त का खाना होता है, एक वक्त का खाना छोड़ते हैं, वो बेटी कैसे अपने बाप से बोलेगी कि पापा मुझे नया शलवार कमीज दे दें? बाप लाके ये ज़रूर बोल सकता है कि आज मालकन ने अपना उतरा हुआ है कपड़ा दिया है बेटा इसको, ये उसका बचा हुआ मेकअप है, ये लगा लेना। तो बहुत बुरे हालात हैं उनके अंदर, अगर यही हम छोटे छोटे बच्चों को खुशियां, हम हर साल माँ हम भी ईद मनाएंगे में 2 लाख से ज़्यादा जोड़े बांटते हैं, लोग हमें देते हैं माशाल्लाह। अभी कल भी शाम में मैंने वीडियो डाली, एक साहब आए 4000 जोड़े देकर गए। अल्लाह हू अकबर। उन्होंने बच्चों के जोड़े दिए, बोला भाई और ब्रांडेड, उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को दिलाया तो ये 4000 जोड़े उन बच्चों के लिए जो ईद के दिन सिर्फ उनकी माएँ इसलिए सोते से नहीं उठाएंगी कि अगर ये उड़ गए और मस्जिद जाने की बात हुई तो मैं तो इनको नहीं भेजूंगी, क्योंकि दूसरों के बच्चे नए कपड़े पहन के आएंगे, मेरे बच्चों के पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो ये वो महरूमियाँ हैं, ईद तो सबकी है ना, ईद तो इन बच्चों की है, तो अगर इन बच्चों के पास ईद के दिन कपड़े ही नहीं है और एक अमीर आदमी अपने बच्चे को सुबह के अलग कपड़े दिला रहा है, नानी के घर जाने के अलग कपड़े हैं, दिन के लंच के अलग हैं, रात के डिनर के, तुम अपने बच्चे को 10 सूट ईद पर दिला रहे हो, 400 रुपए का कोऑपरेटिव मार्केट से एक सिलावा सूट लेके किसी गरीब के बच्चे को दे दो, वो सूट वो पूरे साल याद रखता है कि मैंने ईद के दिन नया सूट, ये मेरा ईद का सूट है, वो उस कपड़े को रखता ही अलग है, धो अलग से धोएगा, अलग से सजा के रखेगा। तो बात ये है कि सोचना चाहिए,
और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिन वालदेन के घरों में वो जानते हैं कि इन बच्चों के लिए ईद की खुशियाँ क्या हैं, ये क्लिप, ये हेयर बैंड, ये चप्पल, ये फ्राक, इनका चलना, इनकी चूड़ी, इनका हंसना, इनका चश्मा लगाना, यही ईद के रंग हैं। और दूसरे कौन से रंग हैं? हम आप तो सो रहे होते हैं सर, नमाज़ पढ़ के आते हैं, सो जाते हैं। लेकिन अगर ये बच्चा भी बेचारा उस दिन वो वही फटी हुई पैंट पहना हुआ या गंदी पैंट पहना है, वो नहीं दौड़ सकेगा उन बच्चों के साथ जो नए कपड़े पहने। सही कह रहा हूँ मैं जी? क्या अच्छी बात है, माशाल्लाह, है ना? हाँ जी, आगे दें, आगे माइक दें। आप भी जफर अंकल से कोई सवाल करना चाह रही हैं जी? पूछें। अस्सलाम वालेकुम, आप तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, उनको उनको सहरी कराते हैं, उनको अफ्तारी कराते हैं। 30 से 40 हज़ार बंदा सहरी कर रहा है रोज, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। उनको खाना खिलाते हैं और सब लोग आपसे बहुत खुश हैं और सब लोग आपको दुआएं देते हैं और अल्लाह भी आपसे बहुत खुश होंगे और आप भी बहुत अच्छे हैं फैसल अंकल। हैं? बहुत हैं। कैसे? ऐसी ही अच्छे। अच्छा, ऐसे ही अच्छा हूँ मैं, बस बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे दें उनको, दें माइक। अस्सलाम वालेकुम फैसल अंकल। वालेकुम सलाम। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। जफर अंकल से कोई सवाल करना है? सवाल तो मैं नहीं करूंगी आज, आज को डिफरेंट। आज को डिफरेंट? हाँ। क्या? आप आपकी इजाजत हो तो। जी बिस्मिल्लाह। बच्चों को नहीं रोक सकते ना भाई? किसी हाँ, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। अरे माशाल्लाह। शहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मेंबर से, कितने में सलाई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। ये मेरी दोनों जो छोटी छोटी बच्चियां ना जी, ये तो बहुत रो रही थी अभी। क्यों रो रही थी तुम? इसकी टॉफी छीन ली किसी ने। रोजा है क्या तुम्हारा? हाँ, कहाँ है? रोजा है, कहाँ रखा है? फ्रिज में है ना, फ्रिज में है, सेव है। हाँ, हमारी कुनैन अलग चलती है। ये अलग, हाँ, ये और ये दोनों, ये घर छोड़ के आता रोजा, ये फ्रिज में रखा। इसका फ्रिज में सही है, सेव है, ये घर छोड़ आता है। अब कोई ले जाएगा? छोड़ के आता हूँ जी। कुनैन को बात पूछे। मैं आपसे ये पूछूंगी, जन्म सुधाए है तरे या अली अली अली। मनखबर सुना रही है, अमजद बिल्कस्तानी की। हैदरी हम। हाँ, बहुत मशहूर है ये। जन्म सुधाए हैदरी की नहीं, किसी और की। अमजद बिल्कस्तानी, ये सादिक सादिक हुसैन साहब की जन्म सुधाए हैदरी, फिर अमजद बिल्कस्तानी ने इसको पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। एक और सवाल है। क्या कह रही हो? एक और सवाल है। हाँ, हाँ। बोलो ना। दिलू मदे दफीन, अरे अरे अरे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, शेर याद आ रहे हैं तो वो सवाल की सूरत सवाल की सूरत में आ रहे बार सवाल की सूरत में आ रहे हैं बार जी। नाबिया की बारी। हाँ बोलो। आपने किसी गरीब को रुपन भाई को दीगो गाड़ी सीधे काले दिए हैं? आपने किसी गरीब को गाड़ी दीगो या फिर कोई मोबाइल दिए? छोटी वाली वीगो दी है, जितनी बड़ी आती है ना प्लास्टिक वाली, आपको चाहिए? इन्होंने किसी एक को वीगो दे दी ना बेटा, इनके दफ्तर के सामने लाइन लगी होगी उनकी भी, जिनके पास चार चार वीगो है। मैंने तो सारी गाड़ी दे दी हैं, मैंने तो सारी गाड़ी दे दी, सारी गाड़ियां दे दी आपने। ये कहती हैं आईफोन भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, सब दे दो। वाह वाह, मैं आपके लिए ले आऊँ गाड़ी, ले आऊँ कल? सही, आप कैसे चलाएंगी उसको? मुझे ड्राइवर रख लेना। नहीं, बैठेंगी तो टूट जाएगी, छोटी सी गाड़ी होगी। अच्छा, अनाबिया को दे दें। चले अनाबिया, पूछेंगी क्या करें। अच्छा, आज बोली का एक सवाल करना है। हाँ करें। आपको घर का खाना अच्छा लगता है या बाहर का? मुझे तो बाहर का अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मम्मा घर का खाना खिला देती है जबरदस्ती, क्योंकि बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। ओ सवाल बताएं भाई। मैं
बच्ची को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन मामा कहती है कि घर का खाना खाया करें, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मसला ये कि मम्मा के हाथ में टेस्ट लाना पड़ेगा ना। हाँ ये तो शिकायत कर रही है मम्मा की। ये तो पापा के अल्फाज बोल रही है। ये तो अभी फीडर पे पापा के अल्फाज कॉपी हो गए। अब क्या करें? और पापा क्या बोलते हैं? पापा क्या बोलते हैं? बस बस बोले पापा। हाँ हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मयान है। मैं मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। मेरा आपसे सवाल है कि आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं? हाँ इस इन तमाम चीज़ों की अलग अलग टीमें, जैसे हमारे जितने भी दस्तरखान हैं उसके ऊपर फूड टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्टर्स किया जामिया कराची से, इसी तरह डायलिसिस सेंटर के जितने डॉक्टर हैं सब नेफ्रोलॉजिस्ट टॉप क्लास हैं पाकिस्तान के, इसी तरह से एम्बुलेंस के जो हेड हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने भी लोग हैं, जो आईटी के टीचर्स हैं हमारे फ्री आईटी सेंटर्स में वो सब नामी गिरामी हैं, जो कंपनीज हमें लैपटॉप फ्री में देती हैं आईटी सेंटर के लिए, डेल और मूलन एंड फिप्स, मतलब सब नंबर वन दुनिया की कंपनीज हैं, और ये पूरा सिस्टम इसी तरह से मॉनिटर हो रहा है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ हो रहे हैं। मतलब ये नहीं होता कि जफर भाई मतलब एक हेड ज़रूर करते हैं, लेकिन जो जिनकी जहाँ जहाँ एक्सपर्टीज़ है ना वो वहाँ उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। सो अगर ये सहरी करवा रहे हैं या अफ्तारी करवा रहे हैं तो उसके लिए भी पूरी एक टीम है जो वो हैंडल कर रही होती है, कुर्बानी जब हो रही होती है तो उसके लिए पूरी एक टीम होती है, सो एम्बुलेंस के लिए पूरी एक टीम। बल्कि फैसल भाई मैं आपको बताऊं, देखिए आप तो कुर्बानी नहर करके चले गए। हाँ आप आए, आपने दो चार ऊँट नहर किए, जो दीगर उलमा आए थे 10-10 20, साढ़े तीन घंटे में 150 ऊंट नहर होते हैं, 200-250 गाय और सैकड़ों बकरे कट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रवाना हो जाते हैं, ये साइंस होती है, वरना तो लोग एक गाय 2.5 घंटे में काटते हैं 3 घंटे। हाँ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। 500-600 जानवर 2-3 घंटे में कट के गोश्त चला गया गरीब के घर माशाल्लाह, और उसके दरवाजे पे दस्तक हो रही है, आंटी 5 किलो गोश्त ले लें, वो हैरत में आ रही है, या अल्लाह हमारी तो पूरी बस्ती में जानवर नहीं कटा था, 5 किलो हमें क्यों दे रहे हो? हाँ। मतलब लोग हैरत में आ जाते हैं ना कि यार हमारे यहाँ तो चर्बियाँ बेचते हैं, लोग हड्डी बेचते हैं, आप गोश्त दे रहे हो, तो भाई हम बोलते हैं आपका बच्चा भी 4 दिन तो कम से कम नहारी गोश्त की, कोरमा गोश्त का, बिरयानी, वरना आप देखें गरीब आदमी क्या लेता है, एक पाव गोश्त दे दो, उस एक पाव गोश्त की आज मेरे यहाँ बिरयानी बनेगी, और बोटियों का साइज चने जितना रखना ताकि हर बच्चे के हिस्से में 2-2 बोटियाँ आ जाएँ, और उस दिन की बिरयानी का इंतज़ार बच्चे 15 दिन से कर रहे होते हैं कि पापा ने बोला था 15 तारीख को बिरयानी बनेगी। तो यार आप देखें लोगों के हालात, तो इन हालात में अगर किसी के घर 5 किलो गोश्त चला जाएगा वो उसके आधा आधा पाव एक एक पाव के पैकेट बना के रखता है कि साल भर इस्तेमाल करूंगा, हमने तो लोगों से राय ली ना कि आज खिला देना बच्चों को, बनाओ बारबेक्यू, कितना गोश्त चाहिए तुम्हें, और हम तो जिस बस्ती में जाते हैं हम हर घर में देते हैं, हम कहते हैं यार सबको दो भाई, किसी से पूछना नहीं, जबान नहीं पूछो, मसलक नहीं पूछो, हाँ कोई हिंदू कम्युनिटी से माजरत कर लो आगे चले जाओ, लेकिन दो सबको जो मांग रहे। बिल्कुल, और देखें ताल्लुकात बढ़ाने के लिए आप रान तो भिजवा देते हैं। हाँ। लेकिन ताल्लुकात कहीं और बढ़ाने हैं यार, कुर्बानी के लिए कम से कम, वैसे तो आप कर सकते हैं। रात 12 बजे के बाद हमारे ऑफिस में फोन बजना शुरू होते हैं, चीख रहे हमने 2 फोन कर दिया आप गोश्त लेने नहीं आ रहे, भाई 12 बजे कौन सा गोश्त है, क्योंकि आपको हविस थी कि जितना गोश्त आ रहा है भर लो फ्रिज में। हाँ। अपने घर का जानवर भी भर लो, अब फ्रिज ने कह दिया मेरी जगह पूरी हो गई है, अब गोश्त हरा होना शुरू हो गया, ग्रीन हो रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे कटा था जानवर या दिन में 1:30 बजे, अब उस गोश्त से बदबू आ रही है, बाकी गोश्त भी खराब होगा, घर में भी बदबू आ रही है, तो वो गोश्त किसके नसीब में, वो JDC ले जाए, ओ भाई वो मैं तुम्हारा खराब गोश्त लाके किसी गरीब के घर में दूंगा, वो भी मुझे बददुआ देगा, खुदा भी अजाब देगा, नहीं जा रहा तो आप फिर वीडियो बना के डाल लें, ये देखें हमने इनके लिए गोश्त रखा था, जब हम जा रहे हैं वहां तो वो गोश्त खराब निकल रहा है, बदबू आ रही है उसमें। तो भाई अगर आपको गोश्त देना है जिस वक्त जानवर कटा उस वक्त फोन कर लो ना, 3 हिस्से कर लो, एक आपका हो गया, एक गरीब मुस्तहकीन का हो गया, एक रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, जो भी आपने तरीका बनाया, लेकिन बात यह कि ये फैसला रात 1:30 बजे नहीं होना चाहिए, आप यकीन करें सुबह रात 1:30 से सुबह 6 बजे तक फोन बज रहा होता है, भाई हम फलाना डिफेंस से फोन कर रहे हैं आ जाओ, हम शाह फैसल से फोन कर रहे हैं आ जाओ, हम मलीर से फोन कर रहे हैं, ये टाइम कौन सा है, मतलब आप इंतहा को चले गए। बिल्कुल, अब उसके बाद जब आपके घर में बदबू फैल रही है गोश्त तो बदबू देगा। बिल्कुल, गोश्त के आगे एक इंसान भी अगर मर जाए तो एक मखसूस टाइम है 10-12 घंटे में, चाहे आपका जितना करीबी रिश्तेदार हो, उसके बाद फिर आप जो तफ़ुन उठेगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जब आप काम के सिलसिले में लेट ही जाते हैं तो आपके घर वाले आपसे नाराज़? मैं रोज़ाना जब घर जाता हूँ मेरे सारे घर वाले सो चुके होते हैं, तो उनके नाराज़ होने का टाइम ही नहीं होता, मैं सुबह 6 बजे घर पहुँचता हूँ वो सो रहे होते हैं, जब मैं सो के उठता हूँ स्कूल जा चुके होते हैं बच्चे। हाँ भाई हीरो, सवाल करना है तो कर ले यार, इधर क्या सवाल करना है?
मुझे ये सवाल करना है कि मैं आपको आज एक नाच सुनाऊंगा। ये सवाल है? इसी बात पे दानिश अंकल ने मोबाइल नहीं दिया जी। हाँ, रात को पूछे थे तुम्हारा जिम में। अच्छा जी। हाँ, कह रहे थे मैं आऊंगा मिलने। चल जी। हाँ, कोई बात कहनी है दानिश भाई को बात कहनी है? नहीं। कुछ कह दो, कहना आई लव यू दानिश अंकल। ठीक है, बोलो ना। बोलो आई लव यू दानिश भाई। हाँ, खत्म हो गई बात, प्यार हो गया। नाच तो सुननी है, नाच। हाँ, नाच सुना है। हाँ, तस्वीर पीछे लौला माफी गलमी गईरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बस माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी नाच पढ़ रहा है। माशाल्लाह, आवाज कितनी अच्छी है इसकी। बहुत अच्छी है, पढ़ा करो तुम, इतनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। अच्छा जी, अताए देख ले आप इसकी जरा। अच्छा जी, जी अच्छा जी। कमरों साहब, जफर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप तो गरीबों की बहुत सारी मदद करते हैं, क्या आपके घर वाले आपसे नाराज नहीं होते? अभी ये सुने भी यही पूछा नहीं, है नहीं, टाइम नहीं मिलता नाराज होने का। एक और चीज, अरे वाह भाई, ये रसीदे कहाँ कहाँ भेजेंगे जफर भाई? थैंक यू। क्या है, किस चीज के लिए बेटा? गरीब बच्चों को दे दें। थैंक यू, मैं आपको इसकी रसीद दे दूंगा। रसीद? अच्छा, एक और बड़ा मज़े का वाकया हुआ। मेरी और जफर की बात हो रही थी तो मुझे बताने लगे, शिकायत थी छोटी सी एक, स्पेशली इन कोविड डेज के। सारा साल की है सर। हैं? सारा साल की है। क्या आप हमारे घर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं कुछ देते? मेरे ड्राइवर ने एप्लीकेशन दी है, उसकी बेटी की शादी है, 30 साल से मेरे यहाँ ड्राइवर है। 30 साल से तुम्हारे यहाँ ड्राइवर है, तुम 15 करोड़ के बंगले में रह रही हो, उसकी बेटी की शादी के 30,000 नहीं दे सकती, और तुम उस पर चढ़ाई कर रहे हो, रेफरेंसेस से फ़ोन करा रहे हो, हमारे डोनर्स से फ़ोन करा रहे हो यार आप। और फिर उसके बाद जुमला बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो टीवी पे बैठ के, करना कराना तुम्हें कुछ नहीं है। भाई मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनका कोई नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।